गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें उसका एक भाग भूमि, राष्ट्र के स्वरूप के तीन अंग भूमि, जन और संस्कृति, जिसमें से भूमि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला भाग है जन। सर्वप्रथम मैं इसका गद्यखंड का पाठ करूंगा, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करूंगा और इसके बाद अंत में इस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना रहेगा। तो आइए पहले पाठ पर आते हैं। जन, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। एक श्लोक दिया गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि अर्थात भूमि माता है, अहम पृथिव्या पुत्रो अर्थात मैं उसका पुत्र हूं, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधापतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है।
जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार को की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रनिवासी जन नई उड़ती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। प्यारे बच्चों, इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षा में 7 सेट बनाए गए थे, उन 7 सेटों का मैंने अध्ययन किया और ये पाया कि 7 सेटों में केवल 1 सेट को छोड़ करके 7 सेटों में जो है गद्य खंड का एक गद्यांश इसी पाठ से आया है। जैसे माता, यहां से माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, ये यहां से लेकर के और ये पूरा अनुच्छेद होना चाहिए तक, इसमें जेड एम और जेड आई 302 जेड एम और जेड आई जो संकेतांक के प्रश्न पत्र हैं उसमें आया है। और नीचे वाला जो अनुच्छेद है, जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर के निर्माण करना होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी जेड एच और जेड एल 302 जेड एच और 302 जेड एल में आया है और इसी पे प्रश्न पूछे गए। तो यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या एक बार हम लोग देखें। यहां से मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया जा चुका है कि राष्ट्र का जो ताना बाना ढांचा है वह 3 प्रमुख अंगों पर आधारित है, भूमि, जन और संस्कृति। तो भूमि हो और उस पर निवास करने वाले अगर जन ना हो, देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, महत्वपूर्ण। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अर्थात भूमंडल हो, पृथ्वी हो, भूमि हो, लेकिन उस पर निवास करने वाले लोग यदि नहीं हैं
तो उसे राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी और जन दोनों के ही सम्मिलन से, दोनों के ही मिलने से ही, दोनों के द्वारा ही राष्ट्र का तानाबाना, राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है, संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जिस प्रकार से कोई स्त्री तभी माँ कहलाती है जबकि उसको माँ कहलाने वाली कोई संतान हो। जब तक वो संतान नहीं पैदा करती, अर्थात जब तक संतान उत्पन्न नहीं होती है, कोई उसे माँ नहीं कहता है, तब तक उसे माँ का दर्जा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से जन के कारण ये पृथ्वी माँ कहलाती है, माता कहलाती है, जननी कहलाती है। तो जननी तभी कहलाएगी जब उस पर उसके निवास करने वाले उसके पुत्र हों, उसकी संतानें हों। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में जो है जन माने लोग ही पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। एक श्लोक है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है भूमि पर रहने वाला जन अर्थात मनुष्य। जो भूमि जन विहीन है उसे राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहां की भूमि अपने सच्चे माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूत करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं जिसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। देखिए, यह प्रणाम भाव ही, अर्थात प्रणाम करना, सम्मान करना, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, नमो मात्रे पृथिवी, नमो मात्रे पृथिवी। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और जब यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र का निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। अर्थात जब तक हमारे मन में यह भाव जागृत नहीं होता है तब तक पुत्र और माँ का संबंध अचेतन माना जाता है। उसमें सजीवता नहीं होती है, जड़ बना रहता है। नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और यह प्रणाम भाव, यह प्रणाम करने की भावना, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। दृढ़ माने मजबूत, एक अस्थाई बंधन है। इसी दृढ़ भित्त पर, भित्त माने दीवाल, इसी मजबूत दीवाल पर, अर्थात इसी मजबूत दृढ़ ढांचे पर ही राष्ट्र का भवन और उसका प्रारूप तैयार होता है, उसका ढांचा तैयार होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन अस्थाई होता है, आश्रित रहता है।
लेखक का मत है कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को दृढ़ करता है तथा पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र को पुष्ट और विकसित करता है। धरती के संबंध को दृढ़ करता है। इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। आदर की यह भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है। इसी चट्टान पर टिक कर ही राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करते हैं उन्हें ही उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पृथ्वी के रत्नों को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो उसका आदर करता है, जो उसे माता के समान मानता है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसका आशीर्वाद प्राप्त करे। माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ धर्म है। जो पुत्र स्वार्थवश अपने हित के लिए अपनी माता की संपत्ति पर दृष्टि जमाए रखता है और माता से प्यार भी स्वार्थवश करता है, वह राष्ट्र के उत्थान के स्थान पर उसकी औन्नति का ही कारण सिद्ध होता है। ऐसे स्वार्थी पुत्र राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति अपनी धरती माता के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है तथा उसका सच्चा पुत्र बनना चाहता है, उसे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नत और विकसित हो सकता है। और माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए छोटा और बड़ा पुत्र में जो है अंतर नहीं, वो मानती अपने सभी पुत्रों को समान रूप से, वह प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे के सभी बेटों को बराबर प्रेम करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर बसने वाले लोग भी सब उसके लिए बराबर हैं। उसके लिए कोई न राजा है, न रंक है, न कोई मूंछ है और न नीच, उसके मन में भाव नहीं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। अर्थात प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है। वह सबके दुख में दुखी होती है और सबके सुख से आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है, हम भी, वह भी अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। न तो वह क्षेत्र, न तो रंग, किसी का भेदभाव नहीं मानती। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा प्राणी समान अधिकार रखता है। जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर बस रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से ही रहते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है वह समान सुविधाओं का अधिकारी है। सबको बराबर का अधिकार है, अर्थात सब समान रूप से उसका उपभोग करने के लिए अधिकारी है। यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। वह कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समान रूप से जो है अपना खजाना लुटाती है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसकी निवासी नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। कोई वनों में रहता है, तो कोई शहरों में, कोई नगरों में, सब जगह जो है उसके लोग बिखरे हुए हैं, बसे हुए हैं। यद्यपि अनेक स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, अलग अलग उनका खान पान है, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तथा वे एक ही धरती की माता के पुत्र हैं और इस कारण ये सब
पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बंधुता के साथ रहते हैं। भाषा और धर्म, रीति और रिवाज इनकी एकता में बाधा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उनको और जोड़ते हैं। विकसित, अर्ध विकसित तथा अविकसित सभ्यता तथा उच्च निम्न तथा सामान्य रहन सहन के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु उनका पृथ्वी से जो संबंध है, लगाव है, वह मातृभावना का है, मातृभावना से। उनमें कोई अंतर नहीं होता है, सब अपनी मातृभूमि को एकमात्र समान भाव से चाहते हैं। जब सब लोगों में मातृभूमि के प्रति समान प्रेम भावना है और पृथ्वी सबके लिए एक समान रूप से अन्न जल प्रदान करती है, और तब सभी को एक समान रूप से अपनी प्रगति और उन्नति के लिए विशाल अवसर मिलने ही चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अवसर प्रदान और अधिकार प्रदान करना ही समन्वय का मार्ग है, और जिसका अनुसरण प्रत्येक देश काल में किया जाना चाहिए। आगे इसी अनुच्छेद में ही पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, और समन्वय के मार्ग पर भरपूर प्रगति और उन्नति से सबको समान एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक भी व्यक्ति का विकास नहीं होता है, वह पीछे रह जाता है, तो किसी एक को छोड़कर के राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी एक व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राज प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसी भी वर्ग अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, अर्थात उसकी प्रगति तभी संभव है जबकि उसके हर प्रदेश, हर राज्य, हर क्षेत्र में विकास हो, सब एक साथ मिलकर विकास के मार्ग पर चले, प्रगति के मार्ग पर। यदि कोई क्षेत्र अछूता रह जाता है तो वह राष्ट्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। ये देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र पर पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा। इसलिए समस्त देशवासियों का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार व्यवहार किए जाने पर ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। और अंतिम अनुच्छेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यह पैराग्राफ, यह अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जन का प्रवाह अनंत है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और कभी नहीं रुकती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म माने एकाकार करना, अर्थात दोनों एक हो जाना स्थापित किया हुआ है, तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा।
हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और औन्नति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नवीन संत का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है, उन्हें पार किया है। आज भी हमारे राष्ट्र के निवासी उन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलते रहने वाला जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। जैसे नदी निरंतर चलती रहती है, बहती रहती है, उसमें आगे का जल आगे बढ़ता जाता है और उसका स्थान पीछे से आने वाला जल उसका स्थान लेता रहता है। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र-तत्र डेल्टा को भी छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र-तत्र विकास के पद चिन्ह छोड़ जाता है। घाट बनाना अर्थात अपने पद चिन्ह छोड़ जाना, अपनी निशानी छोड़ जाना। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आप इसी पर आधारित जो प्रश्न है मैं आपको दूंगा, प्रश्न बाद में बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।